YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कहाँ हूँ बिकॉज माई बैकड्रॉप इज चेंज्ड। तो जी हाँ, मैं पहुँच गई हूँ चंडीगढ़ और मैं आई हूँ अपने भाई के पास और मुझे कुछ काम है शिमला में अगेन। जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, पिछले जो कि मैं पिछले मंथ गई थी शिमला, बट अभी मुझे फिर से कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ शिमला। अगर वो काम हो जाता है फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या काम था। बट इतना सा बता दूँ कि मैं चंडीगढ़ पहुँच गई हूँ। मैं आज सुबह आ गई थी घर से और भाई के साथ हूँ अपने अभी, और भाई जाएगा कल मेरे साथ शिमला क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं जाने के लिए, इसलिए मैंने अपने भाई को बोला क्योंकि वो चंडीगढ़ में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि उसको अपने साथ ले चलूँ। तो अभी मेरा भाई गया है डिनर के लिए और मैं रूम में थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो शुरू कर लूँ क्योंकि मैंने बीच बीच में शूट किया है, बट बस में आई थी, मैंने बस में सफ़र किया है। तो बस में आपको पता ही है क्या मतलब शोर, इतनी गर्मी ऊपर से, और मैं आई डलहौजी से, तो आपको पता है कि वहाँ मतलब अभी गर्मी नहीं है। कई लोगों को नहीं पता होगा बट वहाँ पर गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। तो जब मैं पठानकोट वगैरह में एंटर हुई तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी दुनेरा से ही, बट चंडीगढ़ के लिए तो ठीक थोड़ा एसी बस थी, बट यहाँ भी बहुत गर्मी है। थोड़ा रेस्ट करूँगी और भाई डिनर लेके आ जाएगा, डिनर करूँगी और फिर सुबह यहाँ से हम जाएंगे शिमला। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको सुबह या फिर भाई आता है तब, ठीक है? तो तब तक के लिए मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अपने रूम का टूर भी आपको करवा देती हूँ छोटा सा, मतलब इतना ठीक है, रहने लायक है। तो यहाँ से थी एंट्री और ये रहा बेड, इग्नोर करिए क्योंकि ये मैंने ऐसे थोड़ा फेंक मतलब आई थी तो फिर ऐसे ही रखा हुआ आसमान। यहाँ पे बैग, ये मास्क वगैरह यहाँ पे ले लिया है, वो एसी है, ये वॉशरूम है और ये बेड है, और ये मैं हूँ यहाँ दिखाती हूँ, ये मैं हूँ सामने, ये आप देख सकते हो। और मेरा भाई अंदर है, वो डिनर करके आ गया था, मेरे लिए लेके आ गया था, तो अभी वो वॉशरूम में और मैं लेट जाती हूँ मैं यहाँ लेट जाती हूँ, थक लग गई है। अब मॉर्निंग में जल्दी से उठ के और फिर से शुरू करेंगे अपना सफ़र। के ऊपर है ये लाइटें, ये लाइटें मुझे इतना मतलब ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को, बट अभी मेरे मतलब ऐसा हो रहा है कि ऐसा शेड्यूल बन रहा है कि हो रहे हैं। पिछले मंथ भी मैं शिमला गई थी, अभी भी मेरे को शिमला जाना पड़ रहा है। तो इस बार मैंने डायरेक्ट बस नहीं ली क्योंकि पिछली बार जब मैं शिमला गई थी तो मैंने नाइट बस ली थी डायरेक्ट चंबा टू शिमला, और इतनी थकावट हो गई थी ना, इसलिए मैंने इस बार ऐसे सोचा कि थोड़ा हाफ हाफ करके चलेंगे। जैसे कि चंडीगढ़ में आज रेस्ट हो गया, कल शिमला चलेंगे, फिर वापस देखते क्या बनता है, चंडीगढ़ में रुकूंगी या क्या, और फिर परसों मॉर्निंग चल जाऊँगी घर वापस। सो अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, सो जाते हैं जल्दी क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है और फिर जाना भी है। तो अभी सो जाते हैं और सो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। सुबह का वेट करना, गुड मॉर्निंग भी साथ में करें, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, रात के 12 बजे हमें नींद नहीं और मेरे भाई को लग गई है भूख, है ना भाई? लगी है, आ गया है ऑर्डर और ये है मेरा भूखड़ भाई, लगी है ना भूख? हाँ हाँ। और इस टाइम टाइम हो रहे हैं, क्या टाइम हो रहे हैं? 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे इसको नींद नहीं, इस शैतान को। चलिए इसको रखते हैं साइड में और इसको करते हैं ओपन। फ्रेंड, मेरे भाई ने वो एक ख़त्म कर दिया पिज़्ज़ा पूरा सारा अकेले, और ये भी खा रहा है और ये पी रहा है, और मैंने सिर्फ ये मंगाया था, ये है चोकोलावा केक।
चंडीगढ़ खाना, और मेरे को बोलता कि तू खिला हाथ नहीं मैंने गंदे करने। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन नींद आ रही है। अच्छा तो हम आ गए थे सुबह रूम से और अभी पता नहीं कहाँ पहुँच रहे, थोड़ी गैस कुछ ऐसी सही जगह है। ये हमारी बस और ये सब चुप है। अरे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। हम शिमला पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि रात हो चुकी थी और हम चंडीगढ़ पहुंच चुके थे वापस। तो अभी हम जा रहे थे रूम और इतना थक चुके थे कि इसके आगे मैं ब्लॉग नहीं कर पाई और ना ही आपसे बात कर पाई। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपको नई वीडियो में।